ऋषभ पंत ने एक वीडियो डाला है। वो कहते हैं कि ये वीडियो उन्होंने खुद बनाया है और इस वीडियो को बनाकर वो बहुत खुश हैं। देखिए तो आप ये वीडियो। आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक तरफ ऋषभ पंत और दूसरी तरफ विराट कोहली डांस कर रहे हैं, बीच में कोई काला भुजंग सा है, फिर एकदम से कैमरे के सामने रोहित शर्मा कूद के आ जाते हैं। उनको आता देखकर ऋषभ और विराट कोहली एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और फिर ये सब बड़े उत्साह से डांस में जुट जाते हैं। देखिए तो आप ये वीडियो। आप कहेंगे कि ऋषभ पंत के खुश होने की वजह तो समझ में आती है, पर विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों झूम रहे हैं? उन्होंने तो अब तक इस वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया है। असल में रोहित और विराट खुश इसलिए हैं कि इन्होंने जो सोचा वो कर पा रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि अगर विराट कोहली आउट ना होने की कसम खा लें तो वो कभी भी आउट ना हो, पर कोहली ने इस बार सोच लिया है कि कम खेलूंगा पर धारदार खेलूंगा। हो सकता है कि 50 और 100 रन ना बने, लेकिन टीम की स्कोरिंग रेट हर ओवर में 9 रन से ऊपर होनी चाहिए। यही सोच रोहित शर्मा की है कि भले ही कम खेलो लेकिन तेज खेलो। पहले इन दोनों के 50 और 100 रन आते थे पर टीम लुढ़क जाती थी। अब इन्होंने सोचा है कि हम ना भी हों, पीछे तो फौज है। नंबर 8 पर अगर रविंद्र जडेजा खेलने आ रहे हैं तो बैटिंग तो नीचे तक है। ऐसे में अगर हम नहीं भी रन बना रहे तो बाकी तो संभाल लेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। पावर प्ले में अमूमन रोहित और कोहली आउट हो जा रहे हैं, पर नीचे के बैट्समैन स्कोर को 180 के पार पहुंचा पा रहे हैं। अब ये टीम एक दो खिलाड़ियों की नहीं है बल्कि पूरे 11 की टीम है, लगान टीम है। सबसे ज्यादा तारीफ तो विराट कोहली की करने का मन करता है, पूरे करियर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, पर अब टीम के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए आप भले ही रोहित शर्मा या राहुल द्रविड या टीम प्रबंधन की तारीफ करें, पर अगर विराट कोहली ये नहीं चाहते तो ये नहीं होता। आज टीम इंडिया की सोच अलग है, ये सोच मिलजुल के अपने ख्वाब साकार करने की है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी सोच बदलना आसान नहीं होता है, पर टीम ने इस बार में सोच लिया था और ठान लिया था कि खेलेंगे तो ऐसे ही खेलेंगे। आप ऋषभ पंत को ही देखिए, जब आते हैं तो टीम का एक विकेट सस्ते में निकल गया होता है, पर भाई आते ही चाबुक चलाना शुरू कर देता है। आलोचक कहते रहते हैं कि क्या गलत शॉट मारकर आउट हुआ है। कोहली को भी कहते हैं कि इतनी विकेट से दूर की गेंद को छेड़ने की क्या जरूरत थी। पर टीम इंडिया के खिलाड़ी अब अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, हम करोड़ों फैंस के लिए खेल रहे हैं। ये एक नया उदय है भारतीय क्रिकेट का, और ऐसे में अगर हार भी जाएं तो परवाह नहीं।